हे गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द गेम प्ले वीडियो। और आज हम दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं लास्ट डे रूल सर्वाइवल। एंड फाइनली गाइस, ये अपना ग्लोबल रैंक सर्वर को होने वाला है डे नंबर 7। तो जैसे ही मैं यहाँ पे ऑनलाइन आया एंड मैंने देखा यहाँ पे बिगफुट के सामने आया था कार्गो, तो हम लोगों ने डिसाइड करा चलो कार्गो में चलते हैं। बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्रैश हुआ था एंड अपना टीममेट जो है ना, इस बंदे ने मार दिया था जो कि गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है। तो मुझे पता है अगर मैं वहां पे जाऊंगा तो डेफिनेटली मैं इजीली मारा जाऊंगा। तो मैंने डिसाइड करा हम लोग जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा कैंप करते हैं, उस बंदे को हम अपनी लोकेशन देते हैं, जैसे वो अपने पीछे आएगा तो हम लोग उसको मारने का ट्राई करेंगे। एंड अभी जो है ना गाइस, वो बंदा यहाँ पे आ चुका है एंड मैं पत्थर के पीछे एकदम गजब से यार कवर लेके बैठा हूँ। एंड यहाँ पे डैमेज दिया थोड़ा सा लगा, ओके लगता है गाइस इसके पास डेफिनेटली टाइटेनियम का कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि इसको मैंने काफी ज्यादा बुलेट्स मारा एंड तब जाके इसको डैमेज आया। तो सबसे पहले मैं अपने आपको हील अप करता हूँ, फिर जो है ना गाइस हम लोग इसका डेट क्रेट देखने जाएंगे कि इसकी डेट क्रेट में क्या है, कौन सा आर्मर है। वैसे मुझे लगता है कार्गो में डेफिनेटली एक चाइनीज तो है, क्योंकि जैसे मैं ऑनलाइन आया था मैंने अपना रिपोर्ट चेकआउट करा तो यहाँ पे मेरे को एक चाइनीज और शो हो रहा था जिसका नाम छोटा सा था। तो अभी जो है ना गाइस, सबसे पहले मैं हील अप करता हूँ। बट मुझे जो है ना वहां पे जाने में थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि गाइस मुझे पता नहीं है गाड़ी के अंदर और भी बंदे हो सकते हैं। तो अभी मेरे को थोड़ा सा संभल के जाना पड़ेगा। बट यहाँ पे मुझे एक बंदा दिखा, ओके आई थिंक यार ये तो बॉट है। तो चलो यार हम लोग जो है ना आराम आराम से चलते हैं। वैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट करता हूँ, जैसे ही अपना टीममेट आ जाएगा तो हम लोग उसके बाद आगे जाने का ट्राई करेंगे। बट बंदा अंदर बैठा हो सकता है। तो चलिए गाइस, अभी जो है ना अपना टीममेट पीछे से आ रहा है। अगर आगे गाड़ी में बंदा बैठा होगा, अगर वो अपने को मारता भी है तो डेफिनेटली यार अपना टीममेट पीछे से कवर इजीली दे देगा। तो जैसे मैंने बोला था वही हुआ, बंदे के पास यार टाइटेनियम का लैग है, तभी जो है ना इसको इतना कम डैमेज आ रहा था। लगता है गाइस गाड़ी में कोई नहीं है और अपने को जो है ना घन आर्मर मिल चुका है एक और। एंड आपको गाइस एक चीज और, इस सर्वर में गाइस ना ही मैंने एआर का स्किल रन करा है, ना ही मैंने स्टील के आर्मर का स्किल रन करा है। जितना भी गाइस मेरे पास स्टील का आर्मर है सारा का सारा इन्हीं बंदों को मार के है। तो वैसे गाइस मैं ड्रॉप वगैरह तो लूटता नहीं हूँ, बट जिस टाइम आता हूँ अगर ड्रॉप आया हो तो डेफिनेटली यार लूटने का ट्राई करता हूँ। तो चलिए गाइस, हम लोगों ने इसका गाड़ी वगैरह फोड़ दिया एंड फाइनली अब हम लोग जो है ना जाने वाले कार्गो में। तो यहाँ से हम लोग जब तक कार्गो में पहुंचे एंड हम लोग कार्गो के ऊपर भी गए तो कार्गो ऑलरेडी यार लूट लिया था जस्ट रिसेंटली गाइस। उसके बाद जो है ना यहाँ पे ड्रॉप आया मिलिट्री में, तो मैंने कहा यार डेफिनेटली वो बंदे तो मिलिट्री में जरूर आएंगे। एंड देखना गाइस उन बंदों का क्या ही गजब का सीन किया। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे से मिलिट्री के साइड जा रहे थे तो मैंने रिपोर्ट चेकआउट करा, जिस बंदे को हम लोग वहां पे मारे थे वो बंदा जो है ना गाइस यहाँ पे दोबारा से आने लगा रिपोर्ट में। तो मैंने देखा बंदा ये रहा, तो मैंने मैडमैक्स भाई को जो है ना मना कर दिया था। मैडम ने बोला मैडमैक्स भाई इसको तब हम लोग तब मारेंगे जब ये पानी से निकलेगा, बट मैडमैक्स भाई ने लगता है इसको पहले ही मार दिया। बट कोई नहीं गाइस, ये रहा बंदा, मारा नहीं था, थोड़ा सा उसका हेल्थ कम हुआ था एंड बाद में मैंने मारा। फिर जो है ना मैडमैक्स भाई ने उसको पूरा ही नॉक किया एंड अभी जो है ना गाइस हम लोग इसको पूरा का पूरा फिनिश करते हैं। मुझे जितना लगता है ये बंदा डेफिनेटली दोबारा आएगा। और आपको सर्वर के चारों ड्रॉप्स लूटते हैं, बट जिस टाइम मैं ऑनलाइन रहता हूं अगर मैं ऑनलाइन हूं तो वाला ड्रॉप गाइस इनका लूटना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लूट लेते हैं कोई दिक्कत नहीं बट इनकी कुटाई जो होती है ना इस सर्वर में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। तो चलो यार हम लोगों ने इसको मारा एंड मैंने बोला मैडमैक्स भाई से मेरा एक सेफ खुला हुआ है तो अपना जो गन है ना वो मुझे दे दो, मैं गन सेफ में डाल दूंगा एंड उसके बाद हम लोग जो है ना मिलिट्री चलते हैं एंड ड्रॉप को अनलॉक करके फिर हम लोग यहाँ पे बैठ के कैंप करेंगे, क्योंकि मुझे पता है ये बंदा दोबारा आएगा, क्योंकि गाइस इसमें कुछ ज़्यादा चुल है ना। तो मैं फटाफट से गन लेता हूँ इनसे एंड उसके बाद हम लोग जो है ना दोबारा से चलते हैं। ठीक है, मैं फटाफट से गन जो है ना सेफ में डालता हूँ। मैं मास्क एक्स्ट्रा लेके आया हूँ क्योंकि मुझे लग रहा था अगर हम लोग अंदर ही रहे तो मास्क की जरूरत पड़ सकती है। तो चलो गाइज यहाँ पे हम लोगों ने मैडमैक्स भाई को बोला कि मैडमैक्स भाई फटाफट से जो है ना ड्रॉप अनलॉक करो एंड बंदा देखो मेरे को दिखा वो आ रहा है पानी से। तो मैंने मैडमैक्स भाई को बोला मैडमैक्स भाई इसको आने दो एंड जैसे ही अपनी रेंज में आएगा ना तो फिर मारेंगे उसको। तो ये तो यार आराम से आ रहा है, मतलब उसे लग रहा है यहाँ पे कोई नहीं है बट हम लोग जो है ना यहाँ पे उसका वेट कर रहे हैं। अच्छा भाई आ रहा है गाइस, आ रहा है ऊपर, आराम से इसको सरप्राइज देंगे। देखो क्या ही मजे से आ रहा है, मतलब महुआ चढ़ा रखा है जल्दी है भाई। तो ठीक है भाई, अगले बार से ये जब भी मिलिट्री आएगा ना तो सीधे सीधे रास्ते नहीं आएगा। तो चलो गाइस ऐसे करते हैं, जैसे मैं इसके क्लोज जा रहा था तब तक मैडमैक्स भाई ने जो है ना गाइस पता नहीं क्या सीन हुआ,
मैडमिक्स भाई ने यहाँ पे सब बजूका चला दिया। तो फिर क्या था गाइस, मेरे को यहाँ पे कवर मारना पड़ा उसको, क्योंकि ये पीछे पत्थर के पीछे कवर ले लिया था। तो ठीक है गाइस, यहाँ पे हम लोगों ने इसको दोबारा नॉक किया, एंड अब मुझे लगता नहीं है ये दोबारा से आएगा। तो हम लोग गए फटाफट से गाइस, हम लोगों ने इजीली मारा, इसका लूट वगैरह उठाया। चलो कोई नहीं, मैडमैक्स भाई ने उठा लिया है, एंड अभी हम लोग चलते हैं फटाफट से मिलिट्री। एंड हम लोगों ने यहाँ पे एवेंजर भी चेकआउट कर रहे थे, बट यहाँ पे अपने को एवेंजर वगैरह तो कहीं मिला नहीं। लगता है कोई बंदा जो है ना ऑलरेडी एवेंजर मार दिया था। तो देखते हैं गाइस ड्रॉप से अपने को क्या मिलेगा। ओके गाइस, यहाँ पे अपने को हैंडमेड मिला, एक्सप्लोजिव मिला, एक बजूका मिली थी और बजूका का सेल मिला था। एंड उसके बाद यार हम लोग फटाक से पहुंचे अपने बेस में। वैसे यार आज जो है ना मेरे को डीप रिफाइनर चाहिए, क्योंकि लगभग अभी 130 घंटे हैं, एंड अभी तक यार मैंने एक भी बार टैंक नहीं फोड़ा। तो मैंने कहा यार आज तो टैंक फोड़ूंगा, क्योंकि डीप रिफाइनर गाइस आज नहीं मिला तो डेफिनेटली कभी ना कभी फोड़ना तो बनता ही है। बट यहाँ पे मेरे को एक बात याद आई, क्योंकि अपने सब्सक्राइबर भाई लोग काफी ज्यादा पूछ रहे थे कि भाई जो वुडन वाला फॉर्मेस है उसका अब ना वो काफी दूर दूर तक मारता है। आप लोग अगर ऊपर भी बैठे हो जहाँ पे लूट होता है ना उसके ऊपर भी मारते हैं, तो इसको किस तरीके से कंप्लीट करना है, तो आज ये ना गाइस मैं आपको वो बताने वाला हूँ। पहले मैंने काफी ज्यादा मारा था, तो यही भाई ने बताया था कि इसको जो है ना किस तरीके से पागल बनाना है, एंड आज ये ना मैं आपको वो बताऊंगा। तो फटाफट से गाइस हम लोग यहाँ पे सब लोगों ने वो सेक्शन तो लूट लिया, एंड अभी आने वाला मेन एरिया जहाँ पे आप लोग कंफ्यूज होते हो। तो सबसे पहले तो गाइस हम लोग इसको क्लियर करेंगे। आपको क्या करना है गाइस, आपको जो है ना म्यूटेंट को यहाँ पे लेके आना है जहाँ पे आप लोग खड़े हो। वो किस तरीके से आएगा, सबसे पहले तो देखो अपना टीममेट करेगा, मैं भी कर लेता हूँ, बट अपना टीममेट जो है ना उसको अपने ऊपर एग्रो करा रहा है। तो ठीक है गाइस, देखो कुछ इस तरीके से, एंड आपको जो है ना वहाँ पे से बाहर निकलना है एंड सीधा आ जाना है इसके पीछे। तो देखो जैसे अपना टीममेट खड़ा होगा ना वहाँ पे, देखो ठीक है, अब वो वहाँ पे ट्रैप हो गया, एंड अपने को बस तब तक खड़ा रहना है जब तक वो एकदम वहाँ पे शांत नहीं होगा। अब देखो भाग रहा है, इसको शांत होने दो। उसके बाद यार यहाँ पे चुपचाप से चलता रहेगा, आप लोग जो ना इजीली कर सकते हो। तो आप बैठ गए यहाँ पे, ये ऐसे ही रहेगा यहाँ पे काफी देर तक रहता है लगभग 2-3 मिनट, एंड उतने में तो यार आप लोग इजीली कर सकते हो इसको कंप्लीट। बट मैं यहाँ पे फ्यूल डालना भूल गया, तो मैं तो फटाफट से फ्यूल डालता हूँ। ठीक है डाल दिया, एंड याला एरिया मैं क्लियर करूंगा, उस वाले एरिया में जो है ना अपना टीम में डाल देगा। तो आई होप गाइस आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आप लोग जो है ना इस वाला वुडन बेस का पीजी वाला सेक्शन को किस तरीके से कंप्लीट करोगे। अगर दूसरा वुडन वाला पॉट बेस होगा गाइस उसका तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, उसमें तो जो है ना गाइस आपको पीजी को मारना ही पड़ेगा। तो चलिए फटाफट से डोर खोलते और निकलते हैं, भाई खुलता क्यों नहीं है ये। तो ठीक है गाइस यहाँ पे डोर तो खुल चुका है, एंड उसके बाद यार यहाँ पे हम लोग आ चुके थे एयरपोर्ट में, क्योंकि अभी यार अपने को चाहिए डीप रिफाइनर। तो मैं यहाँ पे अभी जो है ना अपना हेल्थ वगैरह फुल कर रहा हूं, और उसके बाद हम लोग चलते हैं सीधा टैंक को फोड़ने के लिए। तो भाई ओके, अपना हेल्थ वगैरह तो फुल हो चुका है, तो चलिए गाइस अभी जो है ना हम लोग फटाफट से चलते हैं टैंक को फोड़ के आते हैं। देखना पड़ेगा टैंक है या नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने देखा नहीं कि टैंक एक्चुअली में अभी है वहाँ पे या फिर किसी ने फोड़ा हुआ है। मुझे तो लगता है डेफिनेटली फोड़ा होगा, क्योंकि मैं आया था कुछ देर पहले बट मेरे को वहाँ पे टैंक नहीं दिखा था। चलो चल के देखते हैं। भाई यहाँ पे तो नहीं है टैंक, ऐसे करता हूँ मेरे को थोड़ा सा पीछे के साइड जाना पड़ेगा जहाँ पे रूम होता है वहाँ पे दिखेगा। वैसे अपना प्लान है हम लोग जो है ना टैंक को यहाँ पे फोड़ेंगे, क्योंकि अपने पास ओनली एक मास्क है। तो अगर हम लोग टैंक को यहाँ पे फोड़ेंगे एंड हमारे पास एक अच्छा मौका रहेगा कि हम लोग बाहर से टैंक को इजीली मार सकते हैं, अंदर नहीं जाना पड़ेगा। ओके यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है टैंक, लगता है गाइस कोई फोड़ा हुआ है। एंड ये गाड़ी देख रहे हो जो जली हुई है, भाई वो पिछला ड्रॉप है जिसमें हम लोगों ने एयरपोर्ट में काफी ज्यादा तबाही मचाई। भाई अभी तक तो मेरे को दिखा नहीं। तो ओके गाइस वो रहा टैंक। तो चलो यार अभी जो है ना हम लोग टैंक का वेट करते हैं, टैंक अपने को आगे के साइड मिलेगा तो उधर उसको फोड़ने का ट्राई करेंगे। तो चलिए गाइस मैं जो है ना फटाफट से चलता हूँ वेयर हाउस की तरफ। भाई टैंक गोलियां मार रहा है, बजूका मारेगा ना गया। चलो कोई नहीं गाइस, हम लोग आगे तो निकल चुके हैं, एंड अभी अपन लोग चलते हैं सीधा हेलीकॉप्टर के पास में, एंड वहाँ पे बैठ के हम लोग टैंक का वेट करेंगे। जैसे गाइस यहाँ पे टैंक आएगा फिर उसको भजा देंगे।
बस मुझे यहाँ पे वेट करना है। ओके गाइज, यहाँ पे टाइम लगभग अपनी लोकेशन में आ चुका है, आई थिंक अपनी रेंज में, तो हम लोग जो है ना फटाफट से उसको मारते हैं। वैसे मेरा वो टीममेट बोल रहा था कि भाई तू इस तरीके से कैसा मारता है, मेरे से नहीं मारा जाता। मैं तो जा रहा हूँ भैया कंटेनर के पीछे, मैंने कहा तू जो है ना कंटेनर के पीछे जा, मैं इसको यहाँ पे सब मारने का ट्राई करता हूँ। एंड देखो गाइज, अभी जो है ना हम लोगों ने एक ही मिनट के अंदर जो है मैंने इसकी हेल्थ 10% कर दिया है। ओके, अपने टीममेट भी वहाँ से इसको गोलियाँ मारने लगा है, बट जल्दी फट जाएगा गाइस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। रेड हो गया, आई मीन रेड नहीं, येलो हो गया भाई, बज़ूका मारा टिकवा लगा नहीं। वैसे मैं अभी इसकी रेंज से काफी ज्यादा दूर हूँ, तो गोलियां लगने के चांसेस कम है और जो बज़ूका होता है वो भी नहीं लगेगा। अरे भाई भाई, यहाँ पे गलत सीन हो गया था, पता नहीं फैट वाला सेक्शन बोला। ये गाइस फैट वाला सेक्शन जो है ना वो काफी ज्यादा गलत है, वहाँ पे मेरा टीममेट भी रोता रहता भाई, कभी गोली चलाता है तो उसका पेट वाला सेक्शन ओपन हो जाता है। लगभग 40% खत्म 2-3 मिनट के अंदर। गाइज यहाँ पे लगभग, ओ भाई क्या ही गजब तरीका का, मेरा मुंह के आगे जो है ना बज़ूका फटा उसका, लगता है उसका बज़ूका जो है ना पेड़ में अटका था, तभी तो वहां पे इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ। चलो कोई नहीं गाइज, लगभग 40% हो चुका है इसका, आई मीन 40% बचा हुआ है, तो हम लोग इसको फटाफट से मारते हैं। भाई लगभग 30% बचा हुआ है, एंड अभी हम लोग 4 टीममेट आए थे यहाँ पे टैंक फोड़ने के लिए, बट टैंक जो है ना ओनली 2 फोड़ रहे हैं, बाकी भाई लोग किधर गए। ओके, एक भाई यहाँ से मारने लगा, तो लगता है गाइस अब काफी जल्दी फटेगा। एंड उस भाई के पास डेफिनेटली गाइस बुलेट कम है, इसलिए जो है ना वो टैंक को नहीं मार रहा है, लगभग उसके पास ओनली 300 बुलेट थे, क्योंकि वो भाई जो है ना अपने को बाद में बताया था भाई 20% ओनली 20%। आज गाइस अपन लोग लेट नहीं मारेगा, अगर अपने को डीसी फाइनल मिल जाएगा तो अपना प्लान है आज टाइटेनियम फार्म करने का, एटलीस्ट 500 टाइटेनियम मैं तो फार्म करूंगा ही, अगर डीप रिफाइनर मिला गाइस इससे। अगर डीप रिफाइनर नहीं मिला तो हम लोग कल फोड़ेंगे, तो कल हम लोग टाइटेनियम फार्म करेंगे, देखते गाइस अपना लक होता है या नहीं होता है, वो तो लक के ऊपर बात है। वैसे रिपोर्ट चेकआउट करता हूँ, ओके रिपोर्ट में तो कोई नहीं है, एंड अभी जो है ना हम लोग फटाफट से चलते हैं। जैसे मेरे पास बुलेट्स नहीं थी तो मैंने अपने टीममेट से बोला भाई मेरे पास ओनली 17 बुलेट्स बचा हुआ है, मेरे को थोड़ा सा बुलेट्स देना, अगर कोई बंदा होगा तो मारूंगा, बट वो जो है ना अपने टीममेट ने 5 का बुलेट्स दिया मेरे को, तो मैंने कहा भाई 5 का नहीं, मेरे को 7 का बुलेट चाहिए, तो उन्होंने कहा रुक जाओ। तो अभी जो है ना गाइस मैं फटाफट से गाड़ी में बैठता हूँ, एंड अभी अपने को वेट करना है इसकी फ्लेम का गैप होने का। ओके यार, यहाँ पे डीपी फाइनर दिया भाई, मिल गया। अब तो गाइज अपने को टाइटेनियम फार्म करना पड़ेगा, एंड फाइनली गाइज अपने को जो है ना यहाँ पे डी रिफाइनर मिल चुका है भाई, मजा आ गया। एंड अभी जो है ना गाइज अपन लोग फटाफट से चलते हैं। वैसे मैंने इसको डी रिफाइनर को जो है ना अपने सेफ में डाल दिया, अगर कोई बंदा अपने को मारेगा भी तो डी रिफाइनर नहीं गिरेगा। तो अपने टीममेट ने बोला भाई मैं जो है ना यहाँ पे से सेल्फ करता हूँ, बेच जाता हूँ, मेरे को फटाफट से डी रिफाइनर दो, मैं अपने सेफ में रखता हूँ। तो मैंने जो है ना गाइज अपने टीममेट को फटाफट से अपना डी रिफाइनर दिया, एंड उन्होंने दोनों ने सेल्फ मारा, क्योंकि यार हमारे पास एक ही गाड़ी था, तो हम लोगों ने डिसाइड करा चलो तुम लोग सेल्फ मार दो, एंड मैं जो है ना उनका लूट उठा के फिर हम लोग यहाँ पे से निकले। तो जैसे ही गाइस हम लोग यहाँ पे से जा ही रहे थे, तो एक बंदा जिसने अभी रिसेंटली बेस बनाया था अपना यहाँ पे जो लेक है ना एयरपोर्ट के पास में, वहाँ पे तो वो बंदा यार फार्म हाउस चला रहा था। वैसे मेरा प्लान नहीं था, बट वो कंटिन्यूस फार्म हाउस चला रहा था, तो मैंने कहा रुक जा भाई तेरे को बताता हूँ, एक बुलेट लगी खत्म। तो चलो गाइस अभी हम लोगों ने उसको मारा, एंड अभी हम लोग चलते हैं फटाफट से अपने बेस में। वैसे मैंने अपने टीममेट से बोला था यार यहाँ पे जो है ना गाइस कुछ 3 बंदे लोग आए थे,
एंड वो बोल रहे थे कि भाई मेरे को वीडियो में लेना, मैं गाड़ी से जा रहा था फार्मिंग करने के लिए, मैंने कहा चलो ठीक है। एंड देखो गाइस, यही रीज़न है कि मैं किसी को भी अपने सामने भटकने भी नहीं देता। मैं वहाँ पे गाड़ी अपनी हेल्थ वगैरह कर रहा था, बंदा उतरा, गाड़ी जो है ना गाइस पानी में डाल दिया। अब बोलता है तू मार क्यों नहीं रहा यार। गाइस अगर आप लोगों के साथ कोई ऐसे करेगा आप लोगों को कैसा लगेगा? तो उसके बाद यार जितना भी था मैंने तो मारा उस, मैं तो गाइस मैंने डिसाइड फाइनली गाइस अपन लोगों ने डिसाइड कर दिया है, जिसको खेलना है अपना खेलो, अपने देश के सामने कोई भी आएगा ना तो मैं बचाऊंगा। यार इस तरीके का कितना परेशान होता हूँ गाइस मैं, लिटरली यार कोई गाड़ी निकाल देता है, कोई तेल निकालता रहता है। आज मेरा गाइस इसके बाद कंटिन्यूस मेरा जो है ना 1000 फ्यूल कहाँ गया पता नहीं चला। गाड़ी में डालता कोई फ्यूल निकाल देता, गाड़ी में डालता कोई फ्यूल निकाल देता। भाई मैं इतना ज्यादा इरिटेट हो चुका हूँ ना इस तरीके से। मैंने गाड़ी को निकालने का ट्राई भी किया बाहर, बट गाड़ी जो है ना बाहर नहीं निकला। नहीं निकल रहा है गाइस। उसके बाद मैंने अपने टीममेट से बोला भाई तेरे पास जो गाड़ी है वो मेरे को दे दे, मेरे को टाइटेनियम फार्म करना है। तो मेरे टीममेट ने बोला भाई रुको मैं आ रहा हूँ। एंड देखो फिर आया बंदा। Hi there, don't shoot. भाई इसी तरीके से ना अपन लोग परेशान होते हैं काफी ज्यादा। भाई लोग बोलते कि भाई तू ज्यादा करता है, तू अपने साथ नहीं खिलाता। गाइस मेन रीजन है ये, मैं इसीलिए मारता हूँ। मुझे नहीं पता कौन कैसा क्या सोच के आ रहा है मेरे पास में। काफी बार तो गाइस पहले पहले मैंने टर्फ भी दिया था बंदों को अपने बेस का, काफी बार तो मेरा बेस ही साफ कर दिया बंदों ने, मतलब तोड़ देते थे। तब से यार मैंने फिर टर्फ देना बंद किया। फिर जो है ना गाइस बाद में मैं टीम पे लेने लगा, वहाँ पे भी गाइस अपने साथ स्कैम ही होता था। फिर मैंने जो है ना पूरा बंद कर दिया, बस मैं आता हूँ खेलता हूँ और जाता हूँ। मैं ना ही किसी से चैट वगैरह करता, एंड कोई बोलते भी रहे यार मैं कुछ नहीं करता। एंड उसके बाद यार मैं यहाँ पे से निकला था टाइटेनियम फार्म करने के लिए। एंड हम लोग टाइटेनियम फार्म कर रहे थे तो अपने टीममेट ने बोला भाई यहाँ पे इजी म्यूटेंट है, फटाफट से आओ इजी मारते हैं एंड अपना जो है ना वो हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ना गाइस ये भाई बैठा है एंड गाड़ी से फ्यूल खत्म। मैं समझ गया था, मैंने अपने टीममेट से बोला भाई गाड़ी का फ्यूल दोबारा से निकाल दिया। एंड यहाँ पे जो है ना गाइस हम लोग उस बंदे से फ्यूल मांग रहे थे बट वो बंदा दिया नहीं। एंड मैंने बोला भाई, मेरे टीममेट ने बोला क्या करूं, मैंने कहा तेरे समझ में जो आ रहा है वो कर। मतलब अपने साथ गाइस हमेशा ऐसी होता है जब कोई आवे ना तो दिक्कत। वहां पे गाइस अभी एक जगह में गाड़ी फंसा था, वहां पे मैंने 300 फ्यूल डाला। जैसे मैंने गाड़ी में फ्यूल डाला, गाड़ी में बैठा, फिर गाड़ी का फ्यूल गया। तो चलो गाइस अभी जो है ना हम लोग चलते हैं फटाफट से कहाँ पे, बायो में। एंड वहां पे जो है ना म्यूटेंट को मारेंगे एंड उसके बाद मैं दोबारा से टाइटेनियम फार्म करने निकलूंगा। देखते गाइस आज अपन लोग कितना टाइटेनियम फार्म करते हैं। वैसे आज तो अपना रेड मारने का कोई प्लान नहीं है, रेड में भी कल का भी नहीं होगा गाइस, परसों से तो वैसे ही 71 आवर्स स्टार्ट हो जाएगा तो तब उधर ही मारेंगे। चलो अपना टीममेट ने बोला भाई मैं जो है ना इसी को ग्लिच करता हूँ, मैंने कहा चलो ठीक है। शॉटगन जो है ना मैं यहाँ पे ये भाई के लिए ड्रॉप कर लेता हूँ। एंड मुझे नहीं पता इस बार ही अपने को शायद से मैं ही खोलूंगा अपना सेफ। अभी सेफ खुल रहा है गाइस सबका। तो ठीक है गाइस यहाँ पे हम लोगों ने फटाफट से इजी को ग्लिच करा एंड फटाक से जो है ना इजी को मारते हैं। मैं तो सोच रहा था इजी जब गाड़ी में अटैक करता है तो गाड़ी को डैमेज नहीं जाता, बट गाइस गाड़ी को डैमेज आता है क्योंकि आज हमें पता चला क्योंकि हम लोग जो है ना सस्ती वाली गाड़ी लेके आए थे तो उसने उससे धुआं निकाल दिया। एंड इजी जो है ना लगभग यहाँ पे मरने वाला है। तब मैं दूसरा टीममेट बोलने लगा था कि भाई जो है ना यहाँ पे मैं मार रहा हूँ इजी को, मैंने कहा ले मार ले भाई तू ही खोल अपना सेफ, मैं जो है ना नेक्स्ट डे खोल दूंगा। बट इजी तो क्या है गाइस ओनली ऑयल रिफाइनर देता है, बाकी कार्ड देगा और कुछ नहीं। तो चलो गाइस अभी जो है ना हम लोगों ने इजी वगैरह को तो मार दिया है एंड ऐसे करता हूँ मैं यहाँ से फटाफट से जाता हूँ फार्मिंग वगैरह करके आता हूँ क्योंकि थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करना है।
एंड 3.5 घंटे हो चुके हैं, बस आधा घंटा बचा हुआ है। देखते हैं गाइस आधे घंटे में मैं कितना टाइटेनियम यहाँ पे फार्म करता हूँ। अराउंड मेरा गाइस रूटीन है 4 घंटे खेलने का, बस उससे ज्यादा मैं खेलता ही नहीं। ओके तो वहाँ पे अपना टीममेट सामान वगैरह ड्रॉप कर रहा है, तो मैं ऐसे करता हूँ सामान वगैरह ड्रॉप करता हूँ, सारे के सारे सामान हम लोग बेस में शिफ्ट करेंगे एंड उसके बाद जो है टाइटेनियम फार्म करने निकलेंगे। एंड फाइनली गाइस मैं टाइटेनियम फार्म करके आया हूँ आधा घंटा, तो हम लोगों ने करीब 600 टाइटेनियम फार्म किया है, मतलब मैंने तो मैंने कहा आज की वीडियो के लिए बस इतना ही गाइस। और अभी अपने पास टाइटेनियम अराउंड 1300 के करीब टाइटेनियम हो चुका है, तो मुझे जो है ना लगभग अभी भी 1200-1300 के करीब टाइटेनियम और फार्म करना है। एंड इतना फार्म कर लिया